कन्या ने जन्म लिया है। अच्छा हाँ, तो हम लोगों को वहीं जाना है। चलो फिर। कहिए क्या समाचार लाए हो? न डरा हूँ बंगाल का, आया तुम्हारे धाम करनी, लब से बात दो और नहीं कछु काम। आज प्यारे भाइयों, राजदूत राजा हिमाचल को लेकर मुनि के पास आ जाते हैं। महाराज, मैंने सुना है महलों में कन्या ने जन्म लिया है। हाँ, कन्या ने तो जन्म लिया है। तो मालिक घर में Yeah।
बधाई।
बोलिए महादेव।
हो रहा था। प्रिय बंधुओं, एक दिन नारद मुनि आ जाते हैं और ये जानकर राजा हिमाचल ने बहुत स्वागत सत्कार किया और अपनी लाडली को मुनिराज के दर्शन करवाए और सैलराज कहने लगे, कहिए आप लोग क्या समाचार लाए हो। अच्छा, उनको अपने साथ ले आओ। ठीक है महाराज। रुको रुको, मैं भी चलता हूँ मुनिराज के स्वागत के लिए। अरे गौरा की मम्मी, इधर आओ। मुनिराज, आज मैं धन्य हुआ घर बैठे दर्शन पाए हैं। यह दास शीश है चरणों में और पलकों के पलंग बिछाए हैं। हे सौभाग्य आज मेरा मुनिनाथ चरणीय पाए हैं। महलों में कन्या जन्म लिए आशीष दिलाने आए हैं। हे मुनिनाथ, श्री कालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहाऊं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कहते कहूं मुख अपने से, ये सुता तुम्हारी गुणकारी है। नाम अंबिका उमा भवानी, ये सुता तुम्हारी बयारी। सब गुण है संपन्न कुमारी है, संतत पियई प्यारी है। अचल सुहाग रहे इसका और कीरत बढ़े तुम्हारी है। और हे राजन, इसके गुणों का बखान कर पाना असंभव है। हे राजन, ये सुता तुम्हारी गुणकारी, अवगुण है दो चार सुनो। हे मुनिराज, इसका उपाय तो बताइए, क्योंकि उमा के लिए मुझे योग्यवर चाहिए। हे प्रिया, परिहरौ सोच तुम, सुबिरौ श्री भगवान। पार्वती निर्भौ जी, सोई करही कल्याण। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौ जो अवगन है द्विचारी। और हे सैलराज, जोगी जटिया काम मम, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी कही मिले हस्त बड़े असरे। आज प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे गौरा बड़ी होने लगती है और महाराज सैलराज मुनिराज से उनके विवाह की बात करते हैं। और क्या कहते हैं, सुनिए प्रोहित भा I'm not afraid।
हेलो हेलो। प्रिय बंधुओं, आज भगवान भोलेनाथ की लगन चढ़ गई और थोड़े ही देर में बारात आने वाली है। सभी लोग बारात का इंतजार करें। Thank you.
बड़ी होती है तब तो सबको रुला देती है। जब अपनी बहन और बेटी को रोते देखते हैं तब तो प्यारे भाई या पिता अपने नए रिश्तेदार से यही याचना करते हैं और कहते हैं कि आज हिमाचल बेटी की विदाई से पहले क्या कहते हैं और अपने जा माता से मैना क्या कहती है। हे बड़ी लाडली मामा बचपन में कभी भी एक पल के लिए नहीं छोड़ा। वो आज अपनी सहेलियों को छोड़कर जा रही है। सखिया कहती है नहीं मुझे छोड़ती एक पल को वो साथ जली। बचपन की सहेली ससुराल चली अब कैसे बहादू धीर लली मेरे संग हमारी बहन की जब पहली बार विदाई होती है तो ऐसा लगता है कि घर खाली सा हो गया। प्यारे आज गौरा जी की एक सहेली भोलेनाथ से कहती है जीजा जी ए जीजा जी है करना बस
संग सहेली गौरा, तुमसे मैं यही कहूंगी, संग सहेली सोने गौरा, नहीं दे भैया, सभी लोग बैठ के और बैठ के बुलाई कराए, सभी लोग बैठ जाए, सभी बोले सच्चन
Thank you.